बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नातीन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस खास वीडियो में बात करेंगे ख्वाब के अंदर पानी पर चलने के हवाले से। हज़रत इब्ने सलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब देखे कि ख्वाब में वो पानी पर चलता है जैसे दरिया और नहर का पानी है, तो ये उसके पाक होने और कुव्वत ईमानी की दलील है। अगर देखे कि दरिया से साफ और खुशगवार पानी पिया है तो दलील है कि उसकी उम्र दराज होगी, खुश ऐश जिंदगी बसर करेगा। और अगर देखे कि बेमजा और शोर वाला पानी पिया है तो इसकी ताबीर इसके खिलाफ है। अगर देखे कि दरिया से साफ और अच्छा पानी पिया है तो दलील है कि तमाम जहान का बादशाह होगा। कुछ कहते हैं कि दरिया के पानी पीने के कदर बुजुर्गी और मालो नेमत पाएगा। अगरचे पानी साफ हो, अगर पानी गतला है तो इस दौरान सख्ती, खौफ और दहशत पोषने का अंदेशा है। ख्वाब में पानी देखना, हजरत इब्ने सलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है कि ख्वाब में देखे कि पानी नहर का देखा है, खुशमजा और पाकीजा पानी जैसा, दलील है कि इसकी जिंदगानी अच्छी गुजरेगी। अगर देखे कि नामालूम नहर से पानी पिया और ये शख्स सफर में है, बेगानी जगह में है, तो दलील है कि नामालूम काम में मशगूल होगा और उसी काम में उम्र गुजारेगा और नहर से पानी के पीने के मुताबिक नफा उसे हासिल होगा। नाज़रीन, किसी भी ख्वाब की ताबीर जाने के लिए कोई अमल, कोई वेद, कोई वजीफा पूछने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त।